नमस्कार, मेरा नाम चंदा देवी है और आज हम गांव स्याल कला में महिला समूह के दीदी को पोषण वाटिका लगाने का तरीका बताएंगे। पोषण वाटिका से सालों भर का सब्जी हमें ताजा एवं फ्री मिलता है और पोषण वाटिका से हर तरह का सब्जी मिलता है। अच्छा दीदी, सबसे पहले हम जमीन का चयन करेंगे। घर के आसपास के जमीन में पोषण वाटिका के लिए 1 से 1.5 डिसमिल जमीन का चयन करेंगे। 1 से 1.5 डिसमिल इसलिए जरूरी क्योंकि 7 से 8 तरह का सब्जी हम उसमें उगाएंगे और अपने घर में उसे खा सकें। दीदी, आपका 1 डिसमिल जमीन है, उसमें कोड़ाई करके साफ सफाई करेंगे और 8 बेड बनाएंगे। दीदी, हम ध्यान देंगे कि बेड बनाएंगे उसमें नाला छोड़ेंगे जिससे हमें पोषण वाटिका में काम करने में आसानी हो। अच्छा दीदी, इसमें हमारा 8 बेड बन के कम्प्लीट हो गया। अब हम इसमें 8 तरह का सब्जी लगाएंगे। 8 बेड में हमें ये ध्यान देना है दीदी कि हमें 2 बेड में साग वाला सब्जी लगाएंगे और 2 बेड में हम जड़ वाला सब्जी लगाएंगे और बाकी 4 बेड में हम फलदार सब्जी लगाएंगे। पर लगाने से पहले कुछ और जरूरी बात बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात दीदी कि हम पोषण वाटिका में रासायनिक खाद या रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके जगह पे हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात दीदी कि हमारे पोषण वाटिका में अगर फसल लगा रहे हैं तो सालों भर पानी नहीं रह पाती तो हमारा पोषण वाटिका अच्छा उपज नहीं हो पाएगा, इसलिए पोषण वाटिका के बगल एक जलकुंड बनाएंगे जिससे घर का हाथ धोने या बर्तन धोने का पानी और उससे हम अपने पोषण वाटिका में सिंचाई कर सकते हैं। दीदी, चलिए रीना दीदी के पोषण वाटिका में फसल का रोपाई करेंगे, लेकिन उससे पहले पौधा या बीज का बीजा अमृत से उपचार करेंगे। अब अगला काम होगा, बकरी मुर्गी अन्य जानवर से हम बचा पाए तो पोषण वाटिका से सब्जी खा पाएंगे, इसलिए दीदी अपना पोषण वाटिका में नेट का उपयोग करके घेरा करेंगे। इस घोरान का उपयोग और भी करेंगे जैसे कि चारों तरफ लतर का सब्जी लगाएंगे। सब्जियों के अलावा हमारे खानपान में फल का होना बहुत जरूरी है, इसलिए पोषण बगीचा में 2 से 3 तरह का फल का पौधा होना बहुत जरूरी है। हम सभी दीदी जानना चाहते हैं कि पोषण वाटिका के क्या क्या फायदे हैं। पोषण वाटिका से बहुत फायदा हो मिलता है दीदी, जैसे सालों भर हरी एवं ताजी सब्जियां मिलती हैं, जिसे खाकर गर्भवती महिला, धात्री माता, किशोरी बच्चे और उसके साथ घर के पूरे परिवार स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद दीदी आपको, जो हम लोग को पोषण वाटिका के बारे में बताया।